आइए मित्रों, अब आपको बताते हैं कि धन त्रयोदशी के दिन कौन सी ऐसी 9 मुख्य वस्तुएं आपको खरीदनी चाहिए जो संपूर्ण वर्ष आपको शुभता दे सकती हैं, घर में धन की वृद्धि कर सकती हैं, आपको निरोगी काया जरूर दे सकती हैं। तो इनकी संख्या आप नोट करिए और इनको आप नोट करने के बाद परचेस जरूर करिएगा। 5 साबुत हल्दी की गांठें आप ले लीजिए, केसर शुद्ध लेना है आपको, 2 साबुत सुपारी लेनी है, 27 साबुत कमलगट्टे, 11 हरे आंवले, 1 झाड़ू, 11 पीली कौड़ी, 50 ग्राम पीली सरसों और लाल गुलाब के फूल। इन तमाम सामग्री को आप पहले से ही परचेस कर लीजिए। अब शुभ मुहूर्त में, जो हमने आपको समय बताया था, उस शुभ मुहूर्त में झाड़ू को आप अपने घर में प्रवेश कराने से पहले हल्दी का तिलक कर दीजिएगा और अपने घर की किसी महिला या कन्या से उसे अपने घर की उत्तर दिशा में स्थापित करवा दीजिए, रखवा दीजिए। एक पीला या गुलाबी रंग का आपको रुमाल लेना है, उसमें 5 साबुत हल्दी की गांठें रखिए, थोड़ा सा केसर जो हमने आपसे परचेस करवाया है उसे वहां रख दीजिए, 2 सुपारी वहां रख दीजिए, सभी कमलगट्टे वहां पर रखिए, पीली सरसों भी आप वहां पर रख दीजिए, कौड़ी भी आपको वहीं रखनी है और लाल गुलाब के फूल देवी लक्ष्मी को श्रीम मंत्र का जाप करके अर्पित करिए और हरे रंग के जो आंवले आपने परचेस किए थे वो प्रभु नारायण और देवी लक्ष्मी को भोग स्वरूप अर्पित करिए। प्रभु नारायण और देवी लक्ष्मी का आपको ध्यान करना है और झाड़ू को अपने पूजन स्थल में रखा रहने दीजिए। आंवले किसी महिला को आप प्रसाद स्वरूप दे दीजिए। रुमाल में रखी हुई सामग्री को आप एक पोटली का स्वरूप देकर या लाल कलावे की सहायता से बांधकर अपने धन रखने वाले स्थान पर रख दीजिए। मित्रों, यकीन मानिए, ये छोटा सा उपाय धन त्रयोदशी के दिन करने से आपको शुभता भी मिलेगी और कहीं ना कहीं आप स्वस्थ हो जाएंगे। Zee News.